हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्दः षष्ठोऽध्यायः दशमः श्लोकः। तदा तमहमीशस्य भक्तानां समभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा। व्यास जी, मेरे मन में परम प्रभु, परम कृपालु परमात्मा, परम पिता का स्मरण, कीर्तन, सेवन नित्य निरंतर चलता रहता था। लेकिन मेरी माँ का स्नेह मुझ में था, उस स्नेह को मैं कैसे भला छोड़ सकूं। और भगवान ने मेरे लिए सही में ऐसा मार्ग कर दिया, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो इसको, इस घटना को अनुग्रह मानता हूं। जैसे हमारे नरसिंह जी कहते थे, बलु थयो भागी झंझार, सुखे भज श्री गोपाल, बलु थयो भागी झंझार। नरसिंह जी को आकर के कह दिया कि आपकी पत्नी आज दिवंगत हो गई है। मार्ग में आ रहे थे, कीर्तन करते हुए आ रहे थे, जैसे सुन लिया और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। कह रहे हैं, भलो थयो भागी झंझार, जितना भी झमेला था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो इसीलिए रुका हुआ था, मैं पत्नी के कारण आज मैं मुक्त हो गया हूँ। सुखे भजसू श्री गोपाल, मुझे अब भगवान की भक्ति का निरंतर, जो समय का ज्ञान नहीं रहता था और घर आकर के प्रतिदिन मुझे जो सुनना पड़ता था, अब तो नहीं सुनना पड़ेगा ना। क्योंकि भगवान की हर क्रियाओं में जो भक्त होता है, वो अपना सुख नहीं देखता है, अपना दुख नहीं देखता है, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखता है, वह तो केवल इतना ही सोचता है, यह भगवान का अनुग्रह है, भगवान की ये परम कृपा है, भगवान करुणा पारावार है और भगवान ने मेरे पर ये करुणा की है, मैं भी भला इसको अनुग्रह समझ करके उत्तर की दिशा की ओर, जहाँ पर मुझे संतों के दर्शन होंगे, जहाँ पर मुझे परम कृपालु परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई स्थान प्राप्त होगा, और यह सोच करके, और मैंने ये स्पष्ट समझ लिया, तदा तम तद अहम ईशस्य भक्तानां शमम अभिप्सतः, भक्तों के कल्याण को, शम माने कल्याण को, अभिप्सतः चाहते हुए यह ईशस्य अनुग्रह इति अहम तम अनुग्रहम मन्यमानः, मैं भगवान के अनुग्रह को मानता हुआ, क्योंकि भगवान भक्तों के ऊपर कल्याण जब करना चाहते हैं तो इसी तरह की कोई न कोई घटना ला के रख देते हैं, जिस घटना के कारण उसका उत्तरोत्तर श्रेय होता है, और मैं भी इसको अनुग्रह मानते हुए, तू करे ते मम ही तनु ये निश्चय बदलाय नहीं, हरि करे ये मम ही तनु आ, हरि करे ये मम ही तनु ये निश्चय बदलाय नहीं, हरि जो करते हैं
परम कृपालु परमात्मा जो भी करते हैं वो मेरे हित में ही करते हैं। आज माँ का ये जो उपक्रम हुआ है, माँ की ये जो घटना हुई है, उसमें केवल प्रभु की कृपा और अनुग्रह मानते हुए सारी क्रियाओं को संपूर्ण करके वो उत्तर दिशा की ओर, प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मम हरि शरणम।